लुधियाना न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस बार लुधियाना न्यूज अपनी चुनाव चौपाल लेकर आया है मंदसौर में। पुराना नाम दशपुर, मंदसौर पूरी दुनिया में दो बातों के लिए बहुत विख्यात है, एक तो अफीम के उत्पादन के लिए और दूसरे पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। लेकिन हाल ही में मंदसौर जिस बात को लेकर भारत की राजनीति में और भारत में खासा लोकप्रिय हुआ वो है किसान गोलीकांड। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होते थे तब यहाँ एक गोलीकांड हुआ जिसमें 6 किसानों की जान गई। हालांकि उसके बाद बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारी सियासत हुई, कांग्रेस ने किसान गोलीकांड को अपना हथियार बनाया, अपना मुद्दा बनाया और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब मंदसौर आए तो उन्होंने देश में सबसे पहली बार यहीं पर कर्जा माफी की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री को बदल देंगे। और उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन विडंबना यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में और जिस जिले में किसान आंदोलन हुआ, किसानों पर गोली चली और किसान मारे गए, उस जिले में, उस विधानसभा में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। पहले भी कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक था और अब भी कांग्रेस का सिर्फ एक ही विधायक है, यानी गोलीकांड का असर 3 राज्यों में तो हुआ पर मंदसौर जिले में नहीं हुआ। यह भी एक राजनीतिक सच्चाई है किंतु आश्चर्यजनक है। मध्य प्रदेश का मंदसौर विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के 3 जिलों को मिलाकर बना है। आम जनता के एजेंडा को नहीं झुटला सकते। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि पिछले 15 साल के भाजपा सरकार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण मिला, गोलियां आज चल रही है, सुनिए, गोलियां आज चल रही है, उसके बाद जैसे कांग्रेस सरकार आती है वो आपराधिक तत्व बेरोजगार हो जाते हैं, वो बोखलाहाट में आपसी संघर्ष कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि इन्हीं के शंकरलाल वाघेला ने कल पुलवामा पर प्रश्न खड़ा करा। शंकरलाल वर्मा कांग्रेस में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़े बहुत समय हो गया उनको, वो कांग्रेस में आ चुके हैं। क्या कानून व्यवस्था खराब हुई है? एक मिनट प्लीज सुनिए जरा, सुनो, मैं आपको बता दूं कि मैं पुलिस में यहाँ TI रहा हूँ 2-2.5 साल मंदसौर कोतवाली में। 15 साल BJP का शासन था, कानून व्यवस्था जो है कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो है 15 दिन बाद ही जो है यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष की जो है गोली मार कैलाश बंदवार पहलाद बंदवार जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसमें जो है BJP का ही कार्यकर्ता निकलता है और उस जांच को जो है गोलमोल कर दी गई और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें और भी जो लोगों के हाथ होंगे उनका खुलासा नहीं किया गया है। ये पुलिस की खुलासा क्यों नहीं किया गया? अब तो कांग्रेस ही सरकार है, अब तो कांग्रेस सरकार है, ये पुलिस की ढील रही है। उसके बाद भी जो है तमाम जगह इस प्रकार की जो गोलियां चली हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था BJP का जो शासन था उसके बाद थोड़ी सी चरमराई है। अब ये जो है हो सकता है या तो स्थानीय पुलिस की कमजोरी रही हो या शासनिक कमजोरी है, लेकिन एक पुराने पुलिस अधिकारी मानते हैं कि मंदसौर की कानून व्यवस्था चरमराई है, अब इसके बाद कोई सबूत की जरूरत नहीं है। क्या मंदसौर में जो अफीम का बहुत बड़ा मामला है, अफीम उत्पादक ये जिला है मंदसौर, नीमच और विश्व का सबसे बड़ा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा अफीम होती है, लेकिन चूरा डोडी के पट्टे, डोडा चूरी के जो है अभी तक जो उनके पट्टे नहीं दिए गए, ना तो किसानों को स्वतंत्रता दी जा रही है, ना उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ना उनको बेचने की स्वतंत्रता दी जा रही है, और 15 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की, क्यों नहीं कर पाए किसानों की समस्या का समाधान? नहीं, डोडा चूरी के पट्टे का तो सवाल ही, अफीम के तो पट्टे दिए हुए ना, अफीम के पट्टे जो उनको बेचने की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार ने जो 2013 में मीनाक्षी नटराजन ने जिस सदन में बैठती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, इन्होंने एक काला कानून इसके खिलाफ बनाया वहां पर सदन में, उसमें पास किया कि डोडा चूरा जो है उससे नशे, उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट नहीं होता है फिल्म का, और उस कारण से एक काला कानून पोतते हुए इन्होंने डोडा चूरा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया और लाइसेंसधारी जितने भी थे उनके लाइसेंस समाप्त किए, और उस काले कानून को जब इन्होंने लोकसभा में 2013 में पास किया था उसके कारण स्टेट सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को वहां से जो गजट नोटिफिकेशन होकर जो पास हो गया था उसके कारण से डोडा चूरा
को आबकारी नीति से बाहर निकाला गया और किसानों, लाखों किसानों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई और उसी का भोग अभी तक मीनाक्षी नटराजन ने अफीम को समाप्त करने के लिए 10-10 आरी का प्रलोभन देकर उस समय में चुनाव जीत के आई थी और उसके बाद लगातार जो पट्टे 27,000 पट्टे अफीम के थे वो 9,000 पे रह गए थे और पूरी तरह से कांग्रेस की नीति अफीम को समाप्त। डोडा चोरी का जो कानून बना भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस बनी। मैं बता देना चाहता हूं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अफीम का फसल है, उससे काफी किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन अफीम पट्टों के नाम पर वर्तमान सांसद ने 20 से 25 हजार रुपए नए पट्टे दिलाने के नाम पे लिए। मैं साबित करना चाहता हूं, लोकायुक्त में जांच चली है और ये जो डोडा चोरी का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जानना चाहूंगा आप बताएं। ये मैं बताऊं आपको, मंदसौर जिला, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़ जो लगे हुए जिले हुए हैं, ये पूरे भारत की 67% अफीम यहाँ पैदा होती है और अफीम के पट्टे जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट जो अलग है उसके द्वारा विधिवत जो भी इनका नियम है उसके अनुसार दिए जाते हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है डोडा चूरा खरीदा जाता था और वो उनका निर्धारित रेट था, उसके अनुसार जो है डोडा चूरा खरीदते थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने और यहाँ के तस्करों ने, जो कि बहुत बड़ी लंबी लाबी है, उनके द्वारा जो है इस व्यवस्था को खत्म करने के बाद लाइसेंस जो डोडा चूरा सरकार द्वारा खरीदा जाता उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो है तस्करी बढ़ी यहाँ और यहाँ का आम जनता हर दूसरे तीसरे दिन जो डोडा चूरी नहीं खरीदा रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भाजपा या कांग्रेस? ये दोनों शासन, ये मुझे लगता है भाजपा शासन में जो है बंद किया गया है। पहले लाइसेंस में डोडा चूरी खरीदी जाती है, चलिए डोडा चूरी नहीं खरीदी जा रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डोडा चूरी नहीं खरीदने के लिए जो गजट नोटिफिकेशन यूपीए की सरकार में हुआ था वो जिम्मेदार था, उससे पहले मंदसौर के अंदर उसका बकायदा नीलामी होकर के खरीदी जाती थी और आबकारी नीति थी, इसको पूरी तरह कांग्रेस ने नष्ट कर दिया और का परिणाम ये रहा। डोडा चूरी वास्तव में पहले नीलाम होता था, ऑक्शन होता था, ओपन ऑक्शन। तो आप 15 साल आपकी सरकार थी, आपकी सरकार है, क्यों नहीं करवा पाया ऑक्शन शुरू? सरकार में तो हम बेचते थे, खरीदते थे। केंद्र में आपकी सरकार है, वो अध्यादेश आप बदलवा क्यों नहीं पाए? अध्यादेश को जिस तरीके से उन्होंने वहां पर पेश किया है, पूरी सदन ने जिस तरीके से यहाँ के सारे किसानों को स्मगलर बताया गया और पूरी तरह से ऐसी लिपापोती गई। श्रीमान 2014 से 2019 तक की आपकी सरकार थी, पुराने पाप कब तक रोगे? 2014 के बाद लगातार सांसद ने लगभग 10 बार इस मुद्दे को सदन में उठाया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने गजा। वित्त मंत्री भी तो आपका ही है, तो हमने इस बात को बहुत ताकत से वहां तो आप भी जिम्मेदार हो, दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। पुलिस अधिकारी ठीक कह रहे हैं कि डोडा चोरी के लिए अगर किसान परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस, जिसके कार्यकाल में अध्यादेश आया, और भारतीय जनता पार्टी जो इस अध्यादेश को हटवा नहीं पाई, तो आप दोनों ही जिम्मेदार है। दूसरे मुद्दे पर हम बात करते हैं, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है मंदसौर के अंदर, कोई उद्योग धंधा नहीं, कारखाना नहीं, कई लोग बनते रहे, मंत्री बने यहाँ से, जो उद्योग मंत्री भी रहे मंदसौर में, लेकिन मंदसौर में कोई नए उद्योग धंधे नहीं खोल पाए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बेरोजगारी के मामले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तरह से जिम्मेदार है। आप देखिए कि यदि सूचना के अधिकार के तहत अगर एक बेरोजगार यदि आंकड़े मांगता है तो उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते, इससे बढ़कर शर्म की और क्या बात है। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूं, वहां जो स्थिति बनी हुई है, पहले एक कंपनी से टाइप होता था, आज बैंकिंग सेक्टर से लेके और सभी जो है चार चार पाँच पाँच टाइप हो रहे हैं और उससे जो हमारा समूचा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो पूरा प्रभावित है और पूरे भारत में 40 लाख इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले जो परिवार जो है वो इसके शिकार हो रहा है और कुल मिला के ये या उद्योग धंधे नहीं खुले उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 15 साल आपकी सरकार थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उमा भारती मुख्यमंत्री थी, उद्योग धंधे क्यों नहीं खोले जा सके? उद्योग धंधे तो क्या है कि ना तो कांग्रेस की इतने साल की सरकार थी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है। 15 साल से तो आपकी थी, 15 साल से आप देखिए कि कितने जो है मुख्यमंत्री उद्योग योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को, कितने लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, ये रिकॉर्ड आप उद्योग विभाग में जाके चलिए। और बेरोजगारी के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जो बेरोजगारी है मंदसौर में और पूरे मध्य प्रदेश में उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई प्रयास किए हैं और कई ऐसे संस्थाएं यहाँ पर चल रही है जिसके माध्यम से नए युवाओं को रोजगार के अवसर ढूंढने का एक काम मिला है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन देकर हम ये चाहते हैं कि कोई कहीं काम नहीं करे, वो खुद ऐसा बन जाए कि वो दूसरे लोगों को और काम दे, निजी संस्था। लोगों को काम देने वाले लोग बना पाए हैं क्या? बहुत काम मिला है,
आप मेरा कहना है कि आज से 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यहाँ के गृह मंत्री उद्योग मंत्री होते थे, उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, उनका व्यक्तिगत विकास किया गया है, उनके द्वारा खुद के कॉलेज खोले गए और यहाँ के लिए कोई विकास नहीं किया गया। 10 साल दिखिए सरकार में कोई विकास नहीं किया गया। बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बेरोजगारी के लिए कोई सरकार वरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आपको रोजगार करना है तो आपको अपने लिए साधन जुटाना होगा। मेरे को जैसे मान लो नौकरी करना है तो मैं अपने लिए व्यवस्था जोड़ाऊंगा कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। सरकार कह देगी, सरकार जिम्मेदार नहीं है बेरोजगार के लिए, जनता ही जिम्मेदार है। नया कंसेप्ट आया है, ये नया कंसेप्ट है, बहुत ही नया विचार आया। आपको साधुवाद इस नए विचार के लिए। चलिए, रेलवे की बात बहुत की थी मीनाक्षी नटराजन ने, सीतामऊ में बोला था कि रेल लाएंगे सीतामऊ में, रेल अभी तक नहीं आई, क्या कारण है इसके लिए? मैं बता देना चाहता हूं कि जब मीनाक्षी जी ने 5 साल के दौरान रेलवे परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक कार्य किया, मंदसौर से पता रेल सीतामऊ में आ गई क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, मंदसौर से सेंक्शन है, मेरी बात सुनिए, नहीं लाए 5 साल में मंदसौर से स्वागत। आपने वादा किया था ना, लाए तो ट्रेनें लाए ना, आपने वादा किया था ना, पूरा वादा फेल हुआ, पूरा वादा फेल हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं आई 5 साल में? अगर 50-500 करोड़ की योजना होती है, बजट भी लाना पड़ता सरकार, वादा करते वक्त ये सब याद था कि नहीं? ऐसा थोड़ी है, घर में छाप वादा समय करते समय याद था कि नहीं? अरे व्यवस्था है, मीनाक्षी जी ने रेलवे बजट में प्रावधान कराया, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान उस बजट को उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा गया, वो सांसद ने क्षेत्र के साथ धोखा किया, गद्दारी की। ये वादा मीनाक्षी अपना वादा नहीं निभा पाई, सुधीर गुप्ता ने क्या किया? पहली बात तो ये कि मंदसौर के अंदर मीटर गेज हुआ करता था, ब्रॉड गेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मानव रहित जितनी भी यहाँ पर अंडर पुलिया जो बनी है वो सारी भारतीय जनता पार्टी में बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यातायात का इतना सुगम बनने के लिए एक लेन यहाँ पर बन रहा है जो लगभग पूरा इलेक्ट्रिशियन हुआ है, डबल ब्रेड ग्रिड हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेलवे में डबल ब्रिज बन रहा है और ब्रिज बन रहा है, नई ट्रेनों को चालू किया, आने की स्टाफ चालू शुरू किया, 8 नई ट्रेनें, सबसे बड़ी जो 10 ट्रेनें चलती थी उसके बाद इन 5 साल के कार्यकाल में 8 ट्रेनें और 18 ट्रेनें हमारे यहाँ पर चालू करके एक बहुत बड़ा काम। रेलवे का डबल लाइनिंग चित्तौड़ से लेकर रतलाम तक, इलेक्ट्रिफिकेशन और 8 नई ट्रेनें, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ऐसे करके जितना काम 70 साल में नहीं हुए इन 5 सालों के अंदर काम हुआ। चले, रेलवे के लेकर दोनों मुद्दे पे दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर एक बात तो है कि सांसद सुधीर गुप्ता की निष्कृतियां बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए आपको सांसद की जगह मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो या नहीं? अरे सांसद का पुरस्कार मिला उसको, सबसे बढ़िया सांसद का पुरस्कार मिला और उन्होंने जितना काम किया। मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, लेकिन सांसद जी 10 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में से यहाँ पर हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी जो कांग्रेस के नेता है उनको भी पछाड़ते हुए भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप है, सूदखोरी का आरोप है, गलत सब बातें गलत है, यदि कोई है तो बता रहे। ये कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपनी बात करते हैं। तो फिर अगर इतना ही सब है तो फिर बंसीलाल गुर्जर और दूसरे सारे लोग सुधीर गुप्ता का विरोध क्यों कर रहे थे, उनका टिकट क्यों काट रहे थे? कांग्रेस का राजनीतिक क्षेत्र में सभी दलों के अपने अपने प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस में भी कई दावेदार थे तो भाजपा में भी कई दावेदार थे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को टिकट मिले, जिसको टिकट मिले। अरे आम आदमी से पूछ लेते हैं, आम आदमी से पूछ लेते हैं, सांसद के कार्य से वो कितना खुश हुए? आप तो कांग्रेस के हैं, बैठ जाइए। सांसद की सक्रियता से आप सहमत हैं? नहीं नहीं सहमत। सांसद कितनी सक्रिय है कितने नहीं है? हाँ, पर विकास कार्य तो हो ही रहे, विकास कार्य हो रहे हैं, सांसद ने विकास कार्य कराए हैं। मुझे तो जैसे कुछ खास नहीं लगा। आप सहमत हैं? आपकी क्या राय, सांसद सक्रिय है, विकास कार्य कराते हैं? पहली बात, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, एक आम नागरिक और युवा महिला होने के नाते हमारा मुद्दा होना चाहिए सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और उसके बाद आती है राष्ट्रीय सुरक्षा। और वर्तमान की सरकार से मैं उससे सहमत हूँ कि वर्तमान की सरकार इन सब मुद्दों पर खरी उतरी है। मेरा किसी वर्तमान सरकार कौन सी, कमलनाथ की नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी की सरकार। और मैं पहली बात मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। एक ये आम आदमी बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। आम आदमी की आवाज को मत दबाइए। आप लोग राजनीतिक, अगर आम आदमी की आवाज को दबाएंगे कैसे होगा? देखिए, ये आपकी बौखलाहट है कि आप एक आम नागरिक की आवाज को दबा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं सिर्फ केवल और केवल अपनी बात रख रही हूँ। देखिए, हमारी सिस्टर ने एक अच्छा मुद्दा
इम्प्लॉयमेंट का, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर इम्प्लॉयमेंट रेशो देखें तो CIMI की रिपोर्ट के अनुसार अनइम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 7.1 की तरफ पे पहुंच गई। 43 सालों में सबसे ऊपर है बेरोजगारी, ऊपर है बेरोजगारी मोदी गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी। और जहां तक एजुकेशनल बात की जाए तो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वह भी अभी तक सभी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे खाते में अभी तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिस्ब्यूट नहीं हुई है। कमलनाथ सरकार पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो तो राज्य का विषय है ना, केंद्र सरकार तो स्कॉलरशिप नहीं डालती, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? ओनली अभी 36 दिन हुए और आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता बाद सबके, उसके पहले आती थी स्कॉलरशिप, उसके पहले आती थी, मतलब शिवराज के जमाने में आती थी, कमलनाथ के जमाने में नहीं आ रही। कमलनाथ सरकार बने हुए ओनली 36 दिन। अच्छा तो आ जाएगी। इनका कहना है कि पहले स्कॉलरशिप आती थी, 36 दिन हुए हैं, हालांकि 75-80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन चलिए ये जो एक आरोप लग रहा है कि सांसद जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं, विकास का काम बहुत करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है, असलियत क्या है? सांसद बिल्कुल निष्क्रिय है, वो केवल प्रचार के भूखे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब 7 साल की बालिका के साथ रेप हो जाता है, इंदौर से मिलने जाते हैं तो विधायक के माध्यम से कहलवाते हैं इन्हें धन्यवाद तो दो, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को। और मैं बता देना चाहता हूँ, मिलना भी एहसान करते, एहसान करते हैं, भी एहसान करते हूँ। हमारा निवेदन है साहब कि इस 5 साल के अंदर सांसद की ऐसी एक भी उपलब्धि है, बीजेपी के जो मेरे बंधु बैठे हैं उन्होंने बताया 8 ट्रेन रुकी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। भाई साहब आप दोनों का अधिवेशन ले लीजिए, मीनाक्षी नटराजन के कार्यकाल में जिन चीजों को स्वीकृत कराया गया, मंदसौर का नाम पहली बार 7-9 बार यहाँ का सांसद बीजेपी का, कांग्रेस के ही कुछ नेता मीनाक्षी का विरोध क्यों कर रहे थे, उसके टिकट का विरोध क्यों कर रहे थे, गुटबाजी थी, राजेंद्र सिंह गौतम ने विरोध किया, जैसा आदमी जिस गति में राजेंद्र सिंह गौतम ने विरोध किया, राजेंद्र सिंह गौतम ने विरोध किया, सर्वमान नेता उनकी राजेंद्र सिंह गौतम से नहीं बनती, राजेंद्र सिंह गौतम को चुनाव घोषणा समिति मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा चुनाव के समय में कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध आपको मालूम नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद में मान मनवार हुआ। माननीय गौतम साहब मीनाक्षी जी का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें कार्यभार दिया गया गांव गांव मीनाक्षी जी के लिए, गौतम साहब प्रचार कर रहे हैं, कर रहे हैं। असलियत क्या है, दोनों दलों में गुटबाजी है कि नहीं है? ये राजनीतिक, देखो राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं करीब करीब सब में मनमुटाव और सब में गुटबाजी तो बिल्कुल व्याप्त है, ये बात बिल्कुल सही है और होती भी है। शुरू शुरू में सभी एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बाद में जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार से दोनों पार्टियों में चल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां जो है मंदसौर क्षेत्र के लिए दोनों पार्टियों ने जो है कोई विशेष ऐसा नहीं किया जिसकी एक उपलब्धि गिनाई जा सके। एक यहाँ मिड इंडिया फाटक में अंडरब्रिज का चल रहा मामला करीब 2 साल से यहाँ जो है कुछ है, यहाँ पहले नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रहलाद द्वंद्वार थे बेचारे, जो उनका उनकी हत्या हो गई है, उनके द्वारा मंजूर कराया गया था। यहाँ के जो सांसद जी हैं उनने भी प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक या स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर और जो है उद्योगपतियों से मिलकर जो है वो अंडरब्रिज को जो है अभी तक नहीं बनने दिया। एक एक बहुत बड़ी यहाँ की जो है एक वो कमी इस बात की, और उसमें जो है सांसद सुधीर गुप्ता भी जो है कोई संतोष। चलिए, मीनाक्षी ने बहुत सारे कार्य कराए हैं, तो मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है राजनीतिक के विद्यार्थियों होने के नाते, कि वो पिछला चुनाव 3 लाख वोट से क्यों हार गए? देखिए साहब, अगर मान लो आप कहते हैं तो ऐसी किसी भी तरह जो झूठ बोल रहा हो, जो आदमी इतनी नीचता पे आ जाए कि अपनी माँ को लाइन में लगा दे, 15 लाख का प्रलोभन दे दे और वहाँ सब जाया जाए, और उसके बाद में आप देखो पुलवामा पे, आप कारण नहीं बता पा रहे उनके हार में, बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना भाई, मैं सुन रहा हूँ। शंकर लाल वाघेला जैसे ने कल पुलवामा पे भी प्रश्न इसलिए खड़ा करा कि गोधरा कांड की पुनरावृत्ति करी मोदी ने, और अभी जो वापस मारे वो शंकर वाघेला की बात नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मीनाक्षी नटराजन अगर इतनी लोकप्रिय थी तो 3 लाख वोटों से पिछला चुनाव क्यों हारी? देखो, जनता को भ्रमित कर अगर आप प्रलोभन दोगे और अगर झूठ बोलोगे और जल्द बोलोगे, झूठ बोलो जोर से बोलो, राजीव गांधी विद्युतीकरण मीनाक्षी जी के समय आई, डेमो ट्रेन, लिंक एक्सप्रेस और अंडर ब्रिज मिड इंडिया की उन्होंने पास करा दी थी, इतनी उपलब्धियां, 3 लाख से हार, 3 लाख से हार, वो उस समय मोदी लहर के कारण जीती थी। मोदी लहर थी क्या? अभी भी मोदी लहर है क्या? अभी भी मोदी लहर है क्या? अभी भी मोदी लहर है? मोदी लहर है। चलिए, ये मतलब चुनाव जो है वो, ये चुनाव जो है वो स्थानीय प्रत्याशियों के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव जो है वो मोदी
वर्सेस राहुल के चुनाव मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। फिर हमारे साथ आम आदमियों से बात करूंगा, क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है, क्या ये चुनाव राष्ट्रधर्म राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा जा रहा है, और क्या इस चुनाव में विकास की जगह पे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा हो गया है। सर मेरा निवेदन है, कमला सरकार आई, उन्होंने वचन निभाया था कभी, यह 10 दिन में हम पंचायत कर्मियों को नियमित करेंगे, तो आज 4 महीने हो गए सर, अभी तक हमको नियमित नहीं करे सर, हम दर दर की ठोकरे खा रहे सर। इनका वचन पत्र मेरे पास, वचन पत्र में कितने दिन में कहा था सर? 10 दिन का बोला सर ये बड़ा। वचन पत्र में वचन पत्र दिखाइए, वचन पत्र दिखाइए, बताइए, खड़े हो जाइए, वचन पत्र कौन को दिखाइए, वचन पत्र का फोकस कीजिए, 41 नंबर को फोकस कीजिए। क्या कहा था कमलनाथ जी ने कि 10 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम तुम्हारा ये जो मैनोफेस्टो में तुम्हारा लेंगे। 10 दिन में सरकार बन जाएगी तो पंचायत कर्मियों को सरकार बनने के 10 दिन बाद स्थायी कर देंगे, वचन पत्र में लिखा हुआ है वो दिखा रहे हैं। भाई साहब जानकारी दे देता हूँ, आपने जिनके बारे में बताया है, सचिवों को नियमित रूप से लागू करने के लिए गर्जेट वेरिफिकेशन हो चुका है, आचार संहिता के कारण उस पर नोटिस जारी नहीं हुई है और ये भ्रमित है। अच्छा आप हर चीज में आचार संहिता ले आते हो, हर चीज में आप आचार संहिता लेते हो, चलिए आचार संहिता को हर चीज में ले आते हैं। क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है इस वक्त चुनाव में मुद्दा है राष्ट्रवाद? ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों चोर है, ये मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने, दोनों चोर है। इस बार मीनाक्षी नटराजन एक तरफा आएगी मंदसौर के अंदर, और इधर प्रधानमंत्री मोदी वो भी आएगी एक तरफा। आप तो कांग्रेस को नहीं 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 दोनों भैया दोनों चोर है, सिर्फ मीनाक्षी नटराजन इस तरफा आ रही है मंदसौर में। क्या सुधीर गुप्ता भगवान को मानता है? हम चंदा लेने के लिए जाता है क्या? तो भगवान कौन है? भगवान को हम नहीं मानते, हम तो मजदूर को भी नहीं मानते, चोर है। और प्रधानमंत्री एक तरफा आए सुधीर गुप्ता पे आरोप कि वो भगवान को भी नहीं मानते, ये आम आदमी का आरोप। मीनाक्षी जी तो बहुत भगवान मानती है, मीनाक्षी जी तो बहुत भगवान को मानती है, दिन रात भगवान के चरणों में रहती है, ये सबूत दिखा दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भाई है उसको पता नहीं है कि वो मजदूरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार में बजट सत्र के दौरान मजदूरों के लिए पेंशन योजना चालू की गई है। वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता है और वो झूठ बोल रहा है कि एक भी बात सुधीर जी के पास नहीं गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो अपना नाम बताए और कब गया था ये बताए। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मंदसौर में तो मीनाक्षी आएंगी और देश में नरेंद्र मोदी आएंगे। सर ये भी झूठ बोल रहा हूँ, मंदसौर के अंदर सुधीर गुप्ता जी 3,50,000 से अधिक मतों से जीत करके आएंगे। अच्छा आप भी ज्योतिष हो गए, वो भी ज्योतिष हो गए, या ज्योतिषों का भंडार लगा हुआ है। एक कह रहे हैं कि मंदसौर में मीनाक्षी जीतेंगी और देश में मोदी जी जीतेंगे, दूसरे ज्योतिषाचार्य ने कहा कि 3,50,000 जीतेंगे। आपकी पार्टी में कोई ज्योतिषाचार्य हो तो बता दें सुधीर को मीनाक्षी कितने वोट से जीतेंगे। भाई साहब हमारे तो जो परिणाम आएंगे जनता जो वोट देगी, कांग्रेस कभी भी प्रलोभन की व्यवस्था में नहीं रहती, ना झूठ बोलती है, जो कहा वो। कर्जा माफी प्रलोभन नहीं है? प्रलोभन क्या है अगर हमारी जनता के लिए? कर्जा माफी प्रलोभन हमारी जनता के लिए अगर हमारे 72,000 प्रलोभन है तो आप ये बताइए, 72,000 प्रलोभन तो 15 लाख रुपए का बोला, 72,000 रुपए सुना जाते प्रलोभन नहीं है, मतलब ये है कि न्यूनतम वेतन जरूरी है और ये प्रलोभन की श्रेणी में नहीं आता। जरूरी मैं तो लेके बैठा हूँ अभी तक, न्यूनतम वेतन। आम आदमी क्या सोचता है 72,000 रुपए की स्कीम लागू हो पाएगी? आम आदमी क्या सोचता है 72,000 की स्कीम लागू हो पाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, 72,000 की स्कीम लागू होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें काफी बेरोजगार लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको 72,000 का प्रलोभन दे के उन्हें एक मुद्दे से भटकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, युवा रोजगार बढ़ाने के लिए कई सेक्टर उन्होंने बढ़ाए हैं, बैंकिंग सेक्टर बढ़ाए हैं, फाइनेंशियल। चलिए 72,000 की स्कीम की बात हो रही है, 72,000 की स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? 72,000 6,000 रुपए महीना मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, मोदी जी के राज में नीरव मोदी भाग्या, विजय माल्या भाग्या, तो वो पैसा राहुल जी सबके खातों में देंगे। चलिए जो भगोड़े भाग गए हैं उनका जो पैसा है वो जो है 72,000 रुपए की स्कीम में आने लग जाएगा।
विजय माल्या विदेश, देखो पूरे देश में आज सबको पता है, मीडिया भी जानता है और देश का हर व्यक्ति जानता है, इन लोगों को घर जा जाके लोन देने का और रिकमेंड इनके वित्त मंत्री चिदंबरम जी के उनके बेटे से लगा के उन सब पे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केस चल रहा है। इन लोगों ने उनको इतना लुटाया और सारी बैंकें करप्ट बना दी और सारे बैंकों की व्यवस्था को चरमरा दिया। और आज ये जो चिल्लाते रहे ना, ये सब इनके रिश्तेदार है। आज इनका प्रियंका गांधी का वाड्रा जी जो उनके वो है, वो भी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी भी बेल पे बाहर है और सोनिया गांधी भी बेल पे बाहर है। ये सब लुटे रहे, हमको चोर कह रहे हैं, ये चोर चोर को चोर कह रहे हैं। नहीं नहीं, फिर जय शाह की कमाई के बारे में बता दी। जय शाह का कोर्ट में गया और ये कोई भी वहां खड़े नहीं रह पाया और उसको क्लीन चीट दी कोर्ट ने कि ये किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं बनता है, मामला नहीं बनता है। जैसे कि कांग्रेस की आदत है, जैसे राहुल गांधी सभाओं में झूठ बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता भी यहां झूठ बोलना सीख गए और लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस क्षेत्र को तबाह करने का काम हमारे यहाँ गांधी सागर बांध बना था आज से 50 साल पहले, हमारे पूर्वजों की जमीन गई थी, अभी उसमें बहुत बड़ी योजना मोदी ने बनाई है। न्याय योजना की बात कर रहे हैं 72,000 की, 75 साल में से 60 साल आपका शासन था, तो ये क्या जरूरत पड़ी, आज तक क्यों काम नहीं कर पाया? अब आके गरीबों की याद आ रही है सत्ता से हटने के बाद? और कमलनाथ जी झूठ बोल के बेरोजगारों की फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने, ये लोग सब बेरोजगार इनके कारण से बने। ये न्याय योजना लागू हो पाएगी और अगर न्याय योजना लागू होगी तो क्या मिडिल क्लास पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी भारत में अभी तक जिन भी पार्टियों ने जो है शासन किया है, मेरे मत से तो ये जो प्रलोभन दिया जाता है बिल्कुल गलत है। इससे जो है लोगों को नाकारा बनाया जा रहा है। लोन माफ करना बहुत बिल्कुल 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 प्रलोभन है और लोगों को बिल्कुल इसको नाकारा बनाया जा रहा है। 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, लोग 50,000 की मोटरसाइकिल लेके 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल लेने जाते हैं, बताइए वो गरीब है क्या? दर्शन योजना भी बिल्कुल बिल्कुल प्रलोभन है इस प्रकार का। आप मानते हो दोनों पार्टियां प्रलोभन? बिल्कुल प्रलोभन दे रहे हैं दोनों पार्टियां और इस प्रकार कोई भी प्रलोभन नहीं। सामाजिक भ्रष्टाचार है दोनों पार्टियां करती है, मतदाताओं को लुभाने के लिए कभी तीर्थ दर्शन की योजना लाती है, कभी 72 की योजना लाती है, एक तरह का ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जवाब ले लो। मेरा स्पष्ट कहना है कि ये कह रहे हैं कि विजय माल्या को किसने रिकमेंड की, लेकिन बता देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि विजय माल्या, सुन लीजिए, वो ये नहीं कह रहे रिकमेंड किसने की, वो ये कह रहे हैं कि विजय माल्या इंग्लैंड में बैठ कर ये कह रहा है कि जितना मेरा कर्जा उससे ज्यादा मेरी संपत्ति इन्होंने जब्त कर ली। ये बात ये उनकी जान है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि भाजपा कार्यालय बनाने के लिए नई दिल्ली में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों ने करोड़ों रुपया का चंदा लिया और उन्हें भगा दिया गया। भाजपा ने भगाया है, चंदा लेकर के भगाया है नोटबंदी के दौरान। निवेदन साहब, यहाँ की एक जल समस्या बहुत बड़ी विषय है और उसका मुद्दा है हमारे यहाँ का तेलिया तालाब कहलाता है। हमारे यहाँ 6 जून के दिन जिस तेलिया तालाब के किसानों पे गोलियां चली जा रही थी, उसी दिन उसी समय सांसद विधायक और यहाँ का कलेक्टर और SP एक कमरे में बैठकर 132 बीघा एकड़ की जमीन अलग से कर देते हैं और उसको बंदरबाड़ में बांध देते हैं। धरोहर खाने की कोशिश सांसद जो हमारे हर कंठ को पानी दे रहा है वो तेलिया तालाब की जो कैचमेंट वाला एरिया है उसको ये हड़पना चाहते हैं भाजपा नेता। को निवेदन है जो उसकी हाइट थी 60 साल में अगर ये कहते हैं तो 60 साल से जिस तेलिया तालाब की हाइट ऊंची थी 6 इंच किसके कहने पर नीचे करी? चलिए जवाब ले लेते साहब। तेलिया तालाब का भ्रष्टाचार, तेलिया तालाब में आपने जमीन हड़प ली, उसकी हाइट वाइट ऊपर नीचे कर दी, ये झूठ? हाँ, ईमानदारी से सुनील भाई, जितना रकबा था मामला कोर्ट में गया और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जितना मसला था उतना दिया गया। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी ने स्वयं किया कि अगर प्रशासनिक गलती से या जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और यथास्थिति रखनी चाहिए। हमारे किसी भी व्यक्ति ने, हमारे किसी भी व्यक्ति की ना तो वहाँ भूमि है, ना ही किसी ने कहा है, ना कोई दबाव बनाया है। तेलिया तालाब के मुद्दे को यदि इस मंदसौर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने करा, उसकी लड़ाई भी हमने ही लड़ी, और यदि हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने गलत किया तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया, उस कलेक्टर को यहाँ से हटा के और उसमें पूरा संज्ञान लेकर निलंबित किया। अब यदि ईमानदारी से कांग्रेस के लोगों ने जो सरकारी जमीनों और कॉलोनियां काटी है, जिन कॉलोनियों पर इनका कब्जा है अवैध, इनके लाखों करोड़ों रुपए केस चल रहे हैं, यदि ये ईमानदार सबसे पहले तो इनकी जगह छोड़े और उन कॉलोनियों को मुक्त करवाए जो लोगों। चलो, कांग्रेस से भी हमारे पास कुछ एक नए मेहमान और जुड़ गए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कांग्रेस नेता भी रवि राका, उनसे भी हम बात करेंगे। कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है मंदसौर के अंदर? मैं मंदसौर की बात करूं, एक तरफ मोदी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को थोड़ा सा बैक पे रख के मोदी को आगे रख रही है, और आपका मुद्दा क्या है?
हम तो विकास पर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो मूल कहना है कि बाप कमाई खाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। आज भी सुधीर गुप्ता जी यदि वोट मांग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से मांग रहे हैं। 5 साल आप सांसद रहे, 5 साल यदि आप सांसद रहे थे तो आपने ये तय करना चाहिए था कि भाई मैंने क्या क्या किया 5 साल में, एक बात। दूसरी बात, मीनाक्षी जी जो वोट मांग रही है वो पिछले उनके पूर्व कार्यकाल में किए गए कामों पर मांग रही है। ईमानदार है, उन्होंने टैंकरों में कोई पैसा नहीं लिया है, उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय लगाकर कोई कमीशन अपनी जेब में नहीं रखा है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि इस बात को तुल देना चाहते हैं कि भैया हमारे जो सुधीर गुप्ता जी है वो तो मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे, ठीक है, बाप कमाई से यदि आपको लड़ना है तो लड़ो, हम तो आप कमाई से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने व्यक्तित्व की लड़ाई में, मीनाक्षी नटराजन भारी है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि आप लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का सहारा है, सांसद का कोई आपको योगदान नहीं है, ना स्पष्ट कहना है। नहीं, हमारा ये बोलना है स्पष्ट के सांसद ने जितने काम किए हैं वो टैंकरों में कमीशन नहीं, कमीशन वाला काम ही नहीं हुआ। बात में आपको कहना चाहता हूँ, वो जो स्टैंड बनाया बस उसमें बात आपको बोल दूं, जेब टैंकर के रेट ये हैं, वही रेट में बाकी लोगों ने भी दी, ज्योतिराज सिंधिया ने भी दिए, बाकी लोगों ने भी दिए। यदि ज्योतिराज सिंधिया भी यही टैंकर बांटते, कांग्रेस के सारे नेता टैंकर बांट रहे हैं, तो माननीय सुधीर जी गुप्ता, दिग्विजय सिंह ने ये टैंकर दिए हैं इसी रेट में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी रेट में दिए हैं, जयवर्धन सिंह ने इसी रेट में दिए, और कांतिलाल भूरिया ने तो इसके दुगने रेट में दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी माननीय हमारे कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बाप कभी खा रहे, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता इतना मजबूत है, ये भी राहुल गांधी के नाम पे मांगे, कोई राहुल गांधी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहता, तो ये हमारा सौभाग्य हमारी पार्टी का कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलते आपको, राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलते आपको, ये कहना उनका, ये जो इनका कहना है, इनकी खिसियाट है। राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उसमें इंदिरा जी का कुर्बानी है, उसमें राजीव गांधी जी की कुर्बानी है, खाली ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है कि यदि जिसमें टैलेंट होगा वो तो आगे आएगा ही। यदि रहा सवाल ये कि फर्जी डिग्री हम बताएं, जब कंप्यूटर आया ही नहीं था तब की डिग्री टाइप हो गई मोदी जी की, तो हम इस तरह के डिग्री के मामले में तो सोनिया जी का मामला बाद में उन्होंने माफी मांगी थी संसद में कि मैंने गलती से लिख दिया। जी हाँ, तो ऐसे कई मामले हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जो नेता है राहुल गांधी फुल्ली टैलेंटेड है, और साथ में उनकी जो बहन आई है प्रियंका गांधी जी, वो दोनों मिलकर ये बहुत खिसियाट में है। खिसियाट इसलिए है कि इनकी सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई दिल्ली में तो क्या राहुल जी की जगह प्रियंका जी अध्यक्ष होंगी? राहुल जी और प्रियंका जी कौन अध्यक्ष होगा ये तो हाईकमान तय करेगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों में अद्भुत टैलेंट है, और उस टैलेंट के आधार पर हम पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। कल माननीय अमित मोदी जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो पूरे समय पुलवामा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें करते रहे, उनको संसदीय क्षेत्र के बारे में न पता था न आपने था। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को एक चुनावी मुद्दा बना रही है, क्या आप लोग सहमत है कि राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाना? राष्ट्रवाद ही मुद्दा होना चाहिए, जो राष्ट्रवाद, सेना का दुरुपयोग हो रहा है, सेना के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत टैलेंटेड, आप कितनी सहमत हैं? मैं तो मोदी सरकार से सहमत हूँ, मोदी सरकार से। राहुल गांधी टैलेंटेड नहीं है, मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है, वो जो करता है जनता के लिए करता है, राहुल का परिवार, का कोई नॉलेज नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं, सुनिए बात आप, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतनी सक्षम है कि एक हफ्ते में एक बच्चा पैदा कर सकती है और 52 हफ्ते में 52 बच्चे पैदा कर सकती है। आप बताइए ये टैलेंट है क्या? ये कहां का टैलेंट है ये बताइए आप हमें। वो दो देशों के नागरिक बन सकते हैं, ये टैलेंट है। उनके जियाजी को सस्ती जमीनें दे करके सस्ती घोटाले कर सकते हैं, ये टैलेंट है। वो कई सारे हथियारों में सौदा करके दलाली खा सकते हैं, ये टैलेंट है। अच्छा, सेना के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हो? सेना की दलाली क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग, इन्होंने मुद्दा क्या बनाया? इन्होंने कहा कि देशद्रोह का आरोप हटा देंगे, ये कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर सेना के अधिकार कम कर देंगे, सेना कम कर देंगे। ये चाइना और राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने का एक मुद्दा है।
राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने का मुद्दा, धारा 124 से कहना है, धारा 124 से कि श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ वहाँ के मुजरिमों को 7 दिन में पकड़ लिया वहाँ की सरकार ने, और हमारी सरकार आज तक पता नहीं लगा सकी कि आरडीएक्स कहाँ से आया था, 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया वो हमारी सरकार आज तक पता नहीं लगा सकी। चलिए, किसानों का क्या बड़ा मुद्दा हो सकता है? 2014 में इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू करेंगे। 5 साल निकल गए, अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया नरेंद्र जी। उन्होंने कहा था कि लागत से दुगना भाव कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के अंतर्गत आता है वो लागत का, क्या उन्होंने नहीं किया? मुद्दा ही नहीं उठाया बीच में, 5 साल हो गए, अभी तक नाम तक नहीं लिया कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करे या नहीं करे। तो स्वामीनाथन आयोग का मुद्दा है, स्वामीनाथन आयोग में कहा गया था कि लागत से दुगना भाव देंगे, सरकार नाकामयाब रही है ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आप सहमत हैं इससे? केंद्र सरकार नाकामयाब रही है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार केंद्र में आने के बाद लागू करेगी। दूसरा उदाहरण ये दे सकता हूँ साहब, जब से कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है आप फसलों के भाव जाकर मंडी में भी चेक कर सकते हैं, पहले से भाव कितने बढ़ गए। उड़द का भावंतर, उड़द का और चने का भावंतर क्यों नहीं मिला? भावंतर तो अभी शासन अब आया है ना, हम तो भाव दे रहे हैं डायरेक्ट बाजार में, अच्छा भाव मिला। 80 दिन तक आपकी सरकार थी, 80 दिन के बाद आचार संहिता लगी, वो भावंतर बकाया है, भावंतर अभी तक नहीं मिला किसानों को। सोयाबीन का रेट आप देख लिए, लहसुन का रेट देख लीजिए। मेरा सवाल है भावंतर का, भावंतर जब उससे भी अच्छा पैसा बाजार में मंडी के भाव में मिल रहा हो तो भावंतर देने की आवश्यकता? उड़द का और चना का बाकी किसान का आप पता कर ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कह रहा है कि भावंतर का पैसा इसलिए नहीं मिला कि खजाने में ये लोग झाड़ू लगा कर गए, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी 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 अपने शोक मोच पर मध्य प्रदेश शासन का पैसा खर्च किया लाखों रुपए करोड़ों रुपयों में, इन्हें चौपा हुआ जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली सरकारी खर्च पर, इन्हें विज्ञापन दिए कि भाई कैसे भी पब्लिसिटी हो। मेरा तो एक मानना है कि ये जो सरकार है जो केंद्र में अभी काम कर रही है हर मुद्दे पर फेल है, और प्रमुख 4-5 मुद्दे यदि ये लिया है, मैं स्मार्ट सिटी ढूंढ रहा हूँ हिंदुस्तान में कि कहीं दिख जाए, मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी कोई ऐसे 2-4 लोग मिल जाए जिनको 15 लाख रुपए खाते। भाजपा वाले ढूंढ रहे हैं मंदसौर में कि मोबाइल फैक्ट्री लग गई हो। है जी, मोबाइल फैक्ट्री मंदसौर में लग गई हो, मोबाइल फैक्ट्री लगेगी सब होगा, लेकिन इंतजार तो करो, हमने तो 5 साल इंतजार किया इस मोदी सरकार का और मोदी सरकार कुछ कर नहीं पाई। 15 साल में क्या लगा दिया हमने, तो अभी 3 महीने हुए। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंदसौर इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? बगल में रतलाम में मेडिकल कॉलेज चला गया, यहाँ के इलाज कराने के लिए लोगों को गुजरात जाना पड़ता है, इंदौर भोपाल जाना पड़ता है, 15 साल आपकी सरकार थी, एक अच्छा अस्पताल भी आप मंदसौर में नहीं खोल पाए। नहीं, मेडिकल और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, तो प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने आना पड़ता है। नहीं तो बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, कुछ जिनको जाना हो तो दिक्कत थोड़ी हो रही है। काले सरकारी कॉलेज खोलने का और यहाँ अभी 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 हमारी सरकार ने यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे सरकारी कॉलेज यहाँ पे, सारे जो पहले के जो सरकारी कॉलेज होने थे वो सारे उन्होंने घर पे खोल लिए हैं, निजी बना लिए हैं। और पूरा किन ने निजी बना लिए? नरेंद्र नाटा जी ने बनाए हैं, उनके पूर्व मंत्री रहते हुए बनाए गए हैं ये सब कॉलेज। क्यों वो शिक्षा के अधिकार में नहीं आते थे क्या सब? वो पब्लिक का अधिकार नहीं था क्या उस वक्त? ये सारी चीजें नहीं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज मंदसौर में खुला है, सभी तरह के कॉलेज मंदसौर में खुल रहे हैं, निजी कॉलेज की जगह शासकीय कॉलेज खुल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंदसौर का अस्पताल 500 बेड का हो चुका है, अब मेडिकल कॉलेज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज। छोटे शिशु बच्चों के लिए सबसे अच्छी। चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सरकार 15 साल रही। इनकी किनकी साहब? बीजेपी की है ना सर, हमारी सरकार 2 महीने हुए आए को, हमारी यानी कांग्रेस की सरकार। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्व मंत्री यहाँ के विधायक मनासा के विधायक, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रगति नरेंद्र नाहटा ने ये आरोप लगा रहे हैं कि निजी कॉलेज छोड़ लिए। अरे आपकी सरकार थी 15 साल में तो कम से कम एक मेडिकल कॉलेज तो लाते। आज यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि हमारे बच्चे कहाँ परेशान हो रहे थे। आज मंदसौर में निजी कॉलेज है तो वहाँ पढ़ाई मिल रही है उनको, और आज कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति नरेंद्र नाहटा ने किया, नरेंद्र नाहटा की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, कांग्रेस का कहना। मेरा निवेदन साहब, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, 15 साल से तो ये थी, 3 महीने से बीजेपी कांग्रेस की है।
सामने का हॉस्पिटल ये रेफर हॉस्पिटल हो गया। यहाँ बड़े से बड़ा कोई केस तो दूर, छोटा सा भी आदमी बीमार होता तो उसको रेफर कर दिया जाता है, और रेफर करने के बाद में डॉक्टर टेबल पे नहीं मिलता। 15 साल में इन्होंने क्या व्यवस्था करी साहब, इनसे ये तो पूछ लो। और इनका ही मेडिकल कॉलेज वाले 15 साल में स्वास्थ्य की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल जो है वो सिर्फ रेफर करता रहता है उज्जैन, भोपाल, इंदौर, यहाँ कोई इलाज नहीं होता। मंदसौर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, ये बार बार 15 साल को लाते हैं, हम लाएंगे फिर 60 साल, वो उसका जवाब नहीं देंगे। इनको चाहिए 15 साल। हम दावा कर रहे हैं कि जितनी सुविधाएं 60 साल में नहीं थी उतनी 15 साल में इस हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं हुई है। 175 प्रकार की दवाइयां फ्री मिलती है। सीटी स्कैन इनकी सरकार आते ही बंद हो गया, ट्रामा सेंटर का सीटी स्कैन बंद हो गया, और वो दीनदयाल योजना के तहत जो राहत मिलती थी वो भी बंद हो गई अस्पताल में। भाई साहब, दीनदयाल योजना किसकी है, पैसा कौन फंडिंग करता है? उन्होंने जो टाइम सरकार करती है, सरकार मध्य प्रदेश करती थी, सेंट्रल में कौन बैठा है? आप अभी यहाँ मंदसौर के जो योजना 5 लाख रुपए वाली बीमे की, वो जिन अस्पतालों को हायर किया है वो बोलते हैं कि फला जहाज आपकी जेब से करा के ला, हम बाद में देंगे। एक गरीब आदमी जब आपका 5 लाख का बीमा कराता, उसके पास पैसा होता तो जांच कराने इनके यहाँ जाता? क्या प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना उसमें किसी का इलाज हुआ? किसी का नहीं हुआ, उसी की बात बता रहा हूँ साहब। किसी का नहीं हुआ, नहीं अभी तक इस योजना का पता नहीं, अभी तक तो कोई इलाज नहीं। इनको पहली बात तो योजना ही नहीं पता है। नरेंद्र मोदी जी ने जितने सस्ते बीमे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति को आयुष्मान योजना में किसी का इलाज नहीं हुआ कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बीमारी सहायता बंद कर दी, मंदसौर के अंदर बीमारी सहायता बंद कर दी, इन्होंने बेटियों को मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान की छात्रवृत्ति बंद कर दी, बेटियों के 51,000 अभी जनपद के अंदर आदेश आ गया है वो बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी बंद कर दी, झूठ के खिलौने कर रहे हैं। 281 करोड़ इनके जेब में भर के बैठ गए, तो टोटल लुटेरों की सरकार है, कलंकनाथ की सरकार है, अंतिम कलंक लगाने आई है। 1000 रुपए भी बंद कर दिए मध्य प्रदेश सरकार ने किए महिलाओं के विवाह के लिए, झूठे जनपद में आदेश आ चुका है, जनपद के अंदर आदेश आ चुका है कि वो 51,000 वाली राशि नहीं दी जाएगी। आप जनपद में क्या कर लीजिए, हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश के 51,000 रुपए दिए जाएंगे। अचल संस्था के कारण वो 51,000 रुपए बैन लगा हुआ, 51,000 मेरी सिस्टर को मिले 51,000 रुपए, झूठे कांग्रेस का कार्यकर्ता झूठ बोल रहा है। चले किसान की और दूसरी समस्या क्या है, किसानों की अभी जो यहाँ पे डोडाचूरी नष्टीकरण का जो आदेश शासकों को चर्चा हो चुकी है, और कुछ समस्या बताएं। गोलीकांड के लोगों को जो हुआ उसके बावजूद भी लाभ कांग्रेस को नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कमलनाथ सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज है और जो जैन आयोग रिपोर्ट जो फर्जी बनी हुई है उसको हम वापस करेंगे, उसको भी दबाए तो कमलनाथ सरकार किसानों के ऊपर क्या दबा दिया उस जैन आयोग रिपोर्ट जो चले विधानसभा में, तो मंत्री विधानसभा मंत्री कह चुके क्लीन चीट दे चुके किसान हत्याकांड पे, तो विधानसभा कांग्रेस के मंत्री क्लीन चीट दे चुके। बहरहाल मंदसौर से आप देख रहे थे, मंदसौर में बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां सांसद की आक्रमणीयता को अपना मुद्दा बना रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है।